और अकोला के जिला हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के खाने में इल्लियां मिलने का मामला सामने आया है। बता दें कि जिला हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 31 में किडनी स्टोन की शिकायत के चलते 2 दिन पहले उकलले बलिराम मेहरी एडमिट हुए। वहीं आज जब मरीज के बेटे रामकृष्ण उकलले मेहरी ने खाना खा लिया तो उसमें जिंदा इल्लियां दिखाई दी, जिसकी शिकायत रामकृष्ण ने वार्ड बॉय और स्टाफ से की तो उन्होंने मामले पर गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके चलते मरीज के परिजनों ने मन से अकोला जिला अध्यक्ष राजेश काले को सूचना दी। सूचना मिलते ही राजेश काले और उसके साथ ही जिला हॉस्पिटल की अधिष्ठाता मीनाक्षी गजबिया के पास शिकायत लेकर पहुंचे। जिला हॉस्पिटल की अधिष्ठाता मीनाक्षी गजबिया ने तुरंत इस मामले को लेकर गंभीरता से लिया और आश्वासन दिया, और उन्होंने कहा कि समिति का गठन कर जांच की जाएगी और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। आपका निवेदन आया आ रहा है हमारे पास, वो निवेदन पे मैं चौकशी समिति लगाती हूँ और चौकशी समिति लगा के जो भी जिसकी भी गलती है उसको हम 100% एक्शन लेंगे, उसको निलंबित कर देंगे, क्योंकि ये हमको सहन करने लायक नहीं।